दूर से देखकर ये फर्क करना मुश्किल है कि ये बियाबान में खड़ा पानी का जहाज है या फिर एक घर है, लेकिन इसके नजदीक जाने पर तस्वीर साफ हो जाती है। ये असल में एक घर ही है जो जहाज की शक्ल में बनाया जा रहा। न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी ये घर जहाज जैसा ही लगता है। इसमें केबिन बने हैं और सामान रखने के लिए वैसे ही रैक हैं, जिस तरह के जहाजों में होते हैं। दरवाजे और खिड़कियां भी उसी तरह की है जैसी जहाज में होती है। समुद्र में तैरने वाले जहाज के समान ही इसमें भी कई मंजिलें हैं और जहाज के डेक जैसा हिस्सा भी इसमें है। इसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 13 फीट और ऊंचाई 30 फीट है। ग्राउंड फ्लोर पर 3 कमरे भी हैं। फर्क यही है कि ये जहाज नुमा घर नदी या समुद्र में नहीं, बल्कि ये जमीन पर ठीक वैसा खड़ा है जैसा कोई जहाज लंगर डालकर खड़ा रहता है। इस जहाज नुमा घर के मालिक हैं मिंटू रॉय, जो कोई बड़े सेठ साहूकार या उद्योगपति नहीं बल्कि एक साधारण किसान के बेटे हैं। मूल रूप से उत्तरी 24 परगना के हेलेंचा के निवासी मिंटू रॉय को बचपन से ही जहाज नुमा घर में रहने की चाहत थी। 25 साल पहले इनका परिवार सिलीगुड़ी के फांसी देवा इलाके में आकर रहने लगा। इसके बाद मिंटू ने एक आर्किटेक्ट से ऐसा घर बनाने की चर्चा की, लेकिन इस सोच को जमीन पर उतारने में कामयाबी नहीं मिली। 2006 में मिंटू नेपाल पहुंचे, जहां इन्होंने घर के डिजाइन और निर्माण का काम सीखा। वहां से लौटने के बाद मिंटू ने इस अनूठे घर का डिजाइन तैयार कर लिया और अपने सपने को साकार करने की ठान ली। 2015 में मिंटू ने इस अनोखे घर को बनाना शुरू किया। घर का डिजाइन और इसकी परिकल्पना इन्होंने कागज पर तैयार कर रखी है और काफी हद तक इस घर का स्वरूप भी वैसा ही तैयार हो चुका है जैसा मिंटू चाहते थे। तकरीबन 10 साल के अंदर इस अनोखे मकान का मुख्य स्ट्रक्चर तैयार हो चुका और इसे इस लायक बनाया जा चुका कि कम से कम यहाँ रहा जा सके। मिंटू फिलहाल अपने परिवार के साथ इसी घर में रह रहे हैं। पैसे की कमी कारण ये खुद ही अपने हाथों से इस बेमिसाल मकान के निर्माण में जुटे हुए हैं और इन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये अपने सपने में जरूर रंग भर सकेंगे और इसे दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे। खैर, किसान के बेटे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। जयदीप बाग, सिलीगुड़ी, भारत तक।